और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। कल तक बहुत ही अटकलें लगाई जा रही थी कि निर्दलीय पर्चा भरेंगे, कोई कहता था लोकदल से पर्चा भरेंगे, लेकिन आज हमने पर्चा समाजवादी पार्टी और साइकिल से भर दिया। आज हम जो भी हैं, और बहुत से लोग भी कहते हैं कि जो भी हम कुछ हैं नेताजी की वजह से, लेकिन उन्हीं लोगों ने आज आपके सामने है नेताजी को अपमानित करने का काम उन्हीं लोगों ने किया। मुख्यमंत्री से मैंने कहा सब कुछ ले लो, टिकट बांटने का अधिकार भी ले लो, केवल नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहने दो, हमारी भी टिकट काट देना। उस दिन मैंने भी कहा था मुख्यमंत्री जी जो चाहो मुझसे ले लो, जो चाहो मुझसे ले लो, कसम भी खाई थी मुझसे जो चाहो वो ले लेना, लेकिन मैंने कहा था कि नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर, मरते दम तक भी नेताजी के साथ देंगे, नेताजी का हर आदेश मानेंगे। सर्वे रिपोर्ट में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस की हालत क्या थी, केवल 4 सीटें जीतने की, किसको फायदा किया, कांग्रेस, और हमारे लोगों का टिकट काटा, हमारे लोगों का टिकट काटा, कहाँ जाएंगे हमारे लोग।